कार क्या होता है, कार्ड रीडर क्या होता है, उसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका डेटा सेफ और सुरक्षित हो। दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम मरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल गौतम मरिया पे। दोस्तों, कैमरा महंगा, लेंस महंगे, लाइटें महंगी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है डाटा। जी हाँ दोस्तों, डाटा, यानी कि आप अपने कैमरे के अंदर डाटा कैसे ग्रैब करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में कैसे कॉपी करते हैं। कितनी बार देखा है कि सबसे कठिन काम वही होता है डाटा मैनेजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि अगर एक भी कार्ड मिसप्लेस हुआ तो पूरे दिन की मेहनत, कितना भी महंगा कैमरा लगा दो, कितना ही दिमाग लगा लो, कितना ही क्रिएटिव काम कर लो, लेकिन जब तक डाटा सुरक्षित नहीं है तब तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही डाटा को सुरक्षित और सेफ करने के लिए हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे प्रोग्रेड। प्रोग्रेड एक बहुत ही उम्दा, यानी कि आज तक मेमोरी कार्ड में अगर किसी ने नाम नहीं सुना है तो अब बहुत ही नामी नाम है प्रोग्रेड। और प्रोग्रेड के काफ़ी सारे मेमोरी कार्ड, यानी कि मेमोरी कार्ड बहुत सारे, यानी कि आप अगर मेमोरी कार्ड खरीदते हो तो खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अभी जो कैमरा चला रहे हो या कैमरा खरीद रहे हो वीडियो के लिए 4K में भी 120 FPS तक आ गया, 400 Mbps तक आ गया। तो दोस्तों, इतना महंगा कैमरा, इतना हाई रेजोल्यूशन 4K में चले गए, लेकिन मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे खानदानी। जी हाँ दोस्तों, खानदानी मेमोरी कार्ड, क्योंकि मेरे पिताजी फोटोग्राफर थे तो उन्होंने मुझे विरासत में एक मेमोरी कार्ड दिया था। क्या वो मैं यूज़ करूँगा अभी? ना रे, अभी यूज़ करना पड़ेगा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड, यानी कि कैमरा अगर अपडेट किया है तो मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, कंप्यूटर, सारी चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही, क्योंकि अब मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो है 4K 60 FPS 422 10 bit 400 Mbps तक रिकॉर्ड करता है। जी हाँ दोस्तों, 400 Mbps। अगर उसमें मैं खानदानी मेमोरी कार्ड यूज़ करने जाऊँगा तो मेरा कैमरा बोल देगा इस लायक नहीं हो तू, इसको रिकॉर्ड करने के लायक ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लायकात बता देगा। तो इसलिए हमें अच्छा मेमोरी कार्ड रखना पड़ेगा जो कि हाई स्पीड हो। कितने लोगों को बोलता है हाई स्पीड, मेरे पास क्लास 10 है ना। अबे क्लास 10 तो हमारे दद्दू यूज़ किया करते थे, अब आ गया है ज़माना V60 V90 का। जी हाँ दोस्तों, V60 V90। तो ऐसे ही V60 V90 में मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये मेरे पास SD कार्ड है 64 GB का, जो है 250 Mbps तक रिकॉर्ड करने वाला प्रो ग्रेड का एक मेमोरी कार्ड, और उसका कार्ड रीडर भी। तो दोस्तों, कार्ड क्या होता है, कार्ड रीडर क्या होता है, उसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका डेटा सेफ और सुरक्षित हो। हो सके तो अपने डाटा का 2 स्टोरेज बनाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कि मैं वेडिंग शूट करता हूँ तो मेरे पास हमेशा, मैं क्लाइंट को भी बोलता हूँ, आज क्लाइंट से यार मैं बजट ले रहा हूँ 2.5-3 लाख रुपये, तो क्लाइंट को भी बोल सकता हूँ कि एक हार्ड ड्राइव आप लेके रखो। तो उनके पास से एक हार्ड ड्राइव ले लेता हूँ, एक हार्ड ड्राइव मैं अपने खुद के पास ले जाता हूँ, और एक कंप्यूटर या लैपटॉप की इंटरनल स्पेस जो होती है मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर SSD, क्योंकि मेरे पास अगर इतना अच्छा कार्ड और कार्ड रीडर है तो उसको स्टोरेज करने के लिए SSD, वो एक बार महंगी पड़ेगी, ये चीज़ें एक बार महंगी है लेकिन इन्वेस्टमेंट वर्थ है। क्योंकि आज मान लो एक वेडिंग ख़त्म करके मेरे पास 8 या 9 कैमरामैन की टीम है, अगर मैं रात को पूरी वेडिंग ख़त्म करने के बाद अगर डाटा कॉपी करने बैठूँगा तो भाई सुबह जब जाने का टाइम होगा ना, तब तक तो मेरा कॉपी पेस्ट ही चल रहा होगा। तो ऐसा कॉपी पेस्ट ना चलता रहे, उसीलिए सब हाई स्पीड रखना पड़ता है। और ऐसे ही सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि आप हो सके तो एक बार सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीद लीजिए, उसके बाद दूसरा बैकअप आप भले ही एक अनदर हार्ड ड्राइव में बनाइए और अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में बनाइए। कितनी बार क्या होता है कि एक ही ड्राइव में स्पेस नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, उसी के अंदर भले ही डाटा दूसरे पार्टीशन या दूसरे हार्ड ड्राइव में आप कॉपी करते हो, उसके अंदर एक शॉर्टकट डाल दो। हो सके तो डाटा को सेव करते टाइम दूल्हा दुल्हन का नाम, लोकेशन का नाम और डेट फोल्डर इसी नाम पर बनाइए। जस्ट लाइक मैंने मानसी एंड निकुल का वेडिंग किया है उदयपुर में, और इस डेट को, तो हमें डाटा ढूंढने में आसानी रहेगी।
कितनी बार क्या होता है कि मैंने जनवरी में जो वेडिंग की थी उसका डाटा मेरे को मार्च में ढूंढना पड़ता है, यानी कि 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने में कितने उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे, क्योंकि 3 महीने यानी 90 दिन बाद मुझे क्या पता कि मैंने कौन सा कार कहाँ सेव किया था, कौन से कपड़े पहने थे, सब याद करते कौन आया था, पहले तो याद करते कौन आया था एक्सपोजिंग करने। तो दोस्तों इससे अच्छा है डाटा को ऐसे डेट वाइज सुरक्षित कर लीजिए और उसी डाटा को हो सके तो प्रो ग्रेड से कॉपी करिए। तो प्रो ग्रेड का ये कार्ड और कार्ड रीडर, सबसे पहले तो हम अभी इतना सारा कार्ड तो मैं आपके लिए अनबॉक्स करूँगा नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ एक को अनबॉक्स करके कि ये प्रो ग्रेड का 64 GB का, इसके अंदर एक फ्री में कोई कार्ड का केश है, देखते हो कार्ड का केश कैसा है। ये कार के बॉक्स में से एक कार का केश निकला है जो कि वेलक्रो वाला है और ये मेरा फेवरेट भी है ऐसा कार्ड केस। इसमें भी आपको देखो कार्ड रखने के बाद, यानी कि यहाँ पे कार्ड रख दिया उसके बाद एक जिप बनाया है कि आपका कार्ड गिर न जाए, इसीलिए तो ये जिप वाला है। दूसरा यहाँ पे भी एक पाउच है एक्स्ट्रा के, इधर आप कुछ बैटरी वगैरह रख सकते हो, बाकी 2, 2, 4, 2, 6 मैं तो बोलता हूँ 128 GB के 2 ही ले लो, बहुत है। तो फिर भी चलो 64 GB के 4 रख लो, फिर भी 32 GB के 6 रख लो, इतना तो डाटा हो ही जाता है। तो ये कार्ड को मैं फोल्ड करके रख दूंगा और इसको हैंग करने के लिए आप देख सकते हो कि बैग में या पॉकेट में या जैकेट में कहीं भी हैंग करने के लिए ये रस्सी है, तो ये मिसप्लेस नहीं होगा। हो सके तो यहाँ पे आपका एक अपना विजिटिंग कार्ड रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मान लो कभी कभार कार्ड का पाउच कहीं गिर गया तो कोई विजिटिंग कार्ड पकड़ के उसमें से नंबर लेके कॉल तो कर सकता है बेचारा, तो इसीलिए विजिटिंग कार्ड रख दीजिए यहाँ पे। और ये मेरा कार्ड का पाउच यहाँ पे फ्री में मिलता है, मेन थिंग्स एक छोटी सी थैली में एक छोटा सा चीज़, लेकिन दोस्तों यही छोटी चीज़ अगर शूट करने के बाद गुम हो जाए तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटा सा मेमोरी कार्ड आफत मचा सकता है। तो दोस्तों यही छोटे से मेमोरी कार्ड में 64 GB का मेरा 250 Mbps ये SD कार्ड है। इसके पीछे आप देखोगे तो 2 लेयर बने हुए हैं, यानी कि नॉर्मल SD कार्ड में ऐसे 2 लेयर नहीं होते हैं, ये हाई स्पीड जो V90 या V60 मेमोरी कार्ड होता है उसी में ऐसे 2 लेयर बने होते हैं। तो अभी ये तो हो गया मेरा मेमोरी कार्ड, अभी इसको रखते हैं साइड में। मैं एक्साइटेड हूँ कि एक कार्ड रीडर को भी मैं अनबॉक्स करूँ। तो एक कार्ड रीडर है, ओ ओ हो ओ हो ओ हो, ये छोटी छोटी किताबें टाइम मिले तो पढ़ ली जाएगी ये, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था गोडोक्स के ट्रिगर का, उसमें भी बताया था कि इसमें छोटे छोटे कुछ पहलू होते हैं वो पढ़ने से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आपको मिल जाएगा। अभी ये कार्ड रीडर कैसा है तो पहले मैं आपको बताऊँ, ये कार्ड रीडर एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सीरीज बताते हैं, कार्ड रीडर छोटा सा कॉम्पैक्ट होता है, उसमें 2 कार्ड एक साथ डाल सकते हो। और आपको बताऊं इस कार्ड रीडर की एक अहम बात कि दोनों कार्ड को मैं एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, जी हाँ दोस्तों, और दोनों में सेम स्पीड मिलेगा। इसमें पीछे सी टाइप, पूरी दुनिया को पता है कि सी टाइप टेक्नोलॉजी क्या है, सी टाइप टेक्नोलॉजी है फास्ट डाटा कॉपी करने के लिए। तो ऐसे ही सी टाइप का केबल इधर बनाया गया है और इसकी साइज। दूसरी एक अहम बात इसकी आपको मैं बताता हूँ कि ये पीछे से मैग्नेटिक है, कहीं भी जाके चिपक जाएगा, यानी कि आपके डाटा कॉपी करते टाइम आपके CPU या कहीं पे भी आप इसको ऐसे चिपका सकते हो, तो ये चिपक जाएगा। इसके साथ केबल मिलता है मुझे ये C-Type to A-Type USB जो कि ब्लू कलर है, इसीलिए 3.0 इसको मैं बोल सकता हूँ। और एक है C-Type to C-Type, अगर आप मैक यूज़र हो या आपको डायरेक्ट C-Type to C-Type डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी ये केबल है। अभी मेरे को चाहिए सिर्फ ये केबल, तो मैं इसी केबल को खोलूँगा। तो दोस्तों हम इसमें कुछ डाटा शूट भी करेंगे और शूट करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट भी करेंगे और इसकी स्पीड चेक करेंगे।
दोस्तों मेमोरी कार्ड और कार्ड रीडर खरीदने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे लाइक मेरे पास एसडी कार्ड का स्लॉट है तो मैं 2 एसडी कार्ड का रीडर खरीदूंगा। जैसे लाइक इसमें सीएफ एक्सप्रेस ए और एसडी कार्ड का जो स्लॉट दिया गया, नहीं ये कार्ड रीडर मेरे काम का नहीं है, लेकिन आपके पास अगर सीएफ एक्सप्रेस का कार्ड है तो आप सीएफ एक्सप्रेस ए और एसडी कार्ड का स्लॉट वाला कार्ड रीडर ले सकते हैं जो कि इसमें बताया गया है। अगर आपके पास सीएफ एक्सप्रेस बी कार्ड है और आपके पास एसडी कार्ड भी है ऑलरेडी, तो आप ये कार्ड रीडर खरीद सकते हैं जिसमें सीएफ एक्सप्रेस बी और एसडी कार्ड का जो स्लॉट है USH2 या USH2 यानी कि जिसमें 2 लेयर है, तो कि कार्ड रीडर में भी ताकत तो होनी चाहिए ना कि 2 लेयर पढ़ सके। ये आप देख सकते हो कि एसडी कार्ड का एक स्लॉट है और एक C-Fast2 जो मेरे पास अभी C-Fast कार्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर दिखाया नहीं है। बाकी एसडी कार्ड एक आपके पास एसडी कार्ड भी हो सकता है, एक C-Fast2 कार्ड भी हो सकता है, तो आपको ऐसा कार्ड रीडर लेना चाहिए। अगर आपके पास 2 एसडी कार्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे एक माइक्रो एसडी कार्ड रखा हुआ है और एक एसडी कार्ड रखा हुआ है, तो माइक्रो एसडी कार्ड में भी हाई स्पीड इसमें प्रो ग्रेड में जैसे मिलता है, आपके पास ड्रोन है या आपके पास GoPro है या कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें माइक्रो एसडी कार्ड डालते हो, तो ऐसा कार्ड रीडर आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों कार्ड रीडर खरीदने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। चलो दोस्तों दिखावा पे नहीं जाते, अपनी अकल लगाते हैं। मैंने प्रो ग्रेड का कार्ड लगाया, यहाँ पे मैंने फोल्डर खोला और ये जो मेरा फ्यूजी कैमरे का उसमें जो डाटा है, ये टोटल जो मैंने फाइल इसमें रिकॉर्ड की है, ये रिकॉर्डिंग फाइल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैं अभी कॉपी पेस्ट करूँगा। पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे कि डाटा कितने GB का है। हालांकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी क्लिप्स मैंने शूट किए, जो भी आपको आगे दिखाई भी है, वही क्लिप्स मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। तो पहले प्रॉपर्टी में जाके हम चेक करेंगे कि भाई ये डाटा है कितने GB का और कितने सेकंड में ये कॉपी पेस्ट करेगा, जो कि एक SD कार्ड में मैंने शूट किया है। वही SD कार्ड से अगर हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो 2 GB 2.8 GB है। 2 GB पकड़ के चलते हैं, चलो 2 GB हम डाटा कॉपी करते हैं। तो 2 GB का डाटा हम कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे हमारी ड्राइव में, जो कि कार्ड रीडर में कितनी स्पीड हमें मिल रही है वो स्पीड हमें यहाँ पे पता चलेगी। तो ये मैंने न्यू फोल्डर बनाया है यहाँ पे मेरा डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में फोल्डर बनाता हूँ मैं प्रोग्रेड 01 नाम का, चलो जिसे मुझे याद रहे, और प्रोग्रेड 01 नाम का मैंने फोल्डर बना दिया है ताकि मेरी सारी फाइल्स वहाँ पे आ जाए। ये आप देख सकते हो कि मैंने मोबाइल में स्टॉपवॉच यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा इधर प्ले करूँगा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है एक आधे सेकंड का जितना, लेकिन ये आप देख सकते हो 280 Mbps 208 Mbps तक ये राइट कर रहा है। यानी यार आप देख सकते हो सिर्फ 8 सेकंड, यानी ये तो 7.5 भी हो सकता है क्योंकि मेरा ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं था, फिर भी चलो 8 सेकंड पकड़ लो, 8 सेकंड में 2 GB डाटा कॉपी पेस्ट। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने फूंक मारी हो डाटा को, ऐसे ही फास्ट कॉपी पेस्ट हो गया। आज का हमारा ये कार्ड का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है या कुछ जानने की उत्सुकता है या कुछ नया करने की भावना है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आपने हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बैल दबाने से नई चीज़ें पता चलती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बैल का आइकन जरूर दबाइए और आगे आने वाले नोटिफिकेशन में आपको नई नई वीडियो जो आती रहेगी उस पर भी जाइए और कमेंट करिए। कमेंट करना आपका हक बनता है, क्योंकि कुछ लिखोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, तो लिखते रहिए और पाते रहिए। मैं गौतम वरिया आपसे अलविदा लेता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो